ये कहानी है राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता माने जाने वाले सीपी जोशी की। राजस्थान के साल 2008 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब प्रदेश कांग्रेस में सबसे कद्दावर नेता सीपी जोशी थे। दूसरे नंबर पर अशोक गहलोत होते थे। चुनाव शुरू हुए तो सीपी जोशी ने अपनी सबसे प्रिय सीट नाथद्वारा से पर्चा दाखिल किया। प्रिय सीट इसलिए कि सीपी जोशी राजस्थान की नाथद्वारा पर 2008 से पहले चार बार 1980, 1985, 1998 और 2003 के चुनावों में परचम लहरा चुके थे। लेकिन 2008 में जब उनकी किस्मत को नाथद्वारा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब ये एक वोट से हार गए। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक खुद सीपी जोशी ने इस बारे में कहा था, हाँ ये सच है, उस दिन मेरी पत्नी और मेरी बेटी मंदिर गई हुई थी, इस वजह से वो मतदान नहीं कर पाई थी। नाथद्वारा विधानसभा सीट पर साल 2008 विधानसभा चुनाव में रोचक मुकाबला था। कांग्रेस के नेता सीपी जोशी के खिलाफ बीजेपी ने कल्याण सिंह चौहान को उतारा था। दोनों ने चुनाव प्रचार में पूरी जान लगा दी। राजस्थान की चुनावी परंपरा को देखते हुए कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद थी, क्योंकि तब सत्ता में बीजेपी थी और राजस्थान की जनता हर 5 साल सरकार बदल देती है। ऐसे में सीपी जोशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। अतिशयोक्ति के तौर पर कहा जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद शपथ लेने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन ऐन चुनाव वाले दिन उनकी पत्नी किंचित कारणोवश मतदान के लिए मतदान केंद्र नहीं पहुंच पाई। नतीजा ये कि उन्हें रिजल्ट वाले दिन उनके खाते में 62,215 वोट, जबकि उनके प्रतिद्वंदी चौहान को 62,216 वोट पड़े, यानी दोनों में एक वोट का फासला रह गया। सीपी जोशी हार गए और चौहान जीत गए। राजस्थान की परंपरा के मुताबिक ही साल 2008 के चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनी। सीएम भी कांग्रेस के ही बने, लेकिन वो सीपी जोशी के बजाय अशोक गहलोत हुए। हालांकि सीपी जोशी पर कांग्रेस आलाकमान का हाथ बरकरार रहा। उन्हें साल 2009 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की भीलवाड़ा लोकसभा से टिकट दिया गया। वे जीत कर केंद्र में आ गए और पहले पंचायती राज मंत्री बने, फिर सड़क परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी मिला। संडे स्पेशल की हमारी स्पेशल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।